हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नासरीन जमाल की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग पटेल मैदान पहुँच चुके हैं। अब यहाँ झांकी निकलने वाली है, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। देख पा रहे हैं? चलिए फिर, झांकी निकलने वाली है, आप लोग को भी दिखाती हूँ यहाँ किस तरह से झांकी निकलती है। देखिए कितनी सारी भीड़ है। परिषद के पश्चात नगर निगम में हमारा जिला समस्तीपुर, हमारा शहर समस्तीपुर उन्नत हुआ। अभी अभी चुनाव हुए हैं नगर निगम के। आगे बढ़ाते चलिए, रोकिए नहीं, नगर निगम की झांकी बढ़ाइए। नगर निगम जिसमें एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध है, इसका संरक्षित किया गया है। नगर निगम की झांकी दो तरह से आगे जो झांकी है पीछे जा रही है, उसको आगे बढ़ाइए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसकी ICT लैब अभी स्थापित किए गए हैं जिले के कई विद्यालयों में। स्मार्ट क्लास आप देख रहे हैं, सड़क में जाए शिक्षक अभिभावक बैठक जो किया जाता है, शिक्षक मेला कला और शिक्षा विभाग जो नवाचार करता है उसको प्रदर्शित करती हुई है जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर। उसके बाद DRCC की आजादी, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, जिसमें आर्थिक हल, युवाओं को बल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना, कई ऐसे मेधावी बच्चे जो आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, चाहे तकनीकी शिक्षा हो या किसी प्रकार की शिक्षा, 4 लाख उनको ऋण मिलता है, उनको राशि मिलती है, जिसमें 4% पुरुष को और मात्र 1% वार्षिक ब्याज दे रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर अभिनव प्रयोग बिहार में। इसके बाद जिला सहकारिता कार्यालय समस्तीपुर की झांकी, कॉपरेटिव कार्यालय समस्तीपुर की झांकी, जिसमें सब्जी उत्पादन विपणन सहकारी सहयोग समिति के द्वारा यूनियन के द्वारा किस तरह से सब्जी का उत्पादन, उसका किस तरह से बाजार में उसको बेचा जाए, मिनी कोल्ड स्टोरेज, इसको प्रदर्शित करती हुई जिला सहकारिता विभाग। आप आगे बढ़ाइए झांकी को, ICTS की झांकी को बढ़ाइए। पहले दिवस में आप देख रहे हैं कि बेटियों को जीवन एवं शिक्षा पर जोर देते हुए दिखाया गया है कि बेटियां भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, खिलाड़ी बन सकती हैं। और दूसरी झांकी में जिसमें बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं देकर आप कम उम्र में शादी करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव को दिखाया जा रहा है। आओ मिलकर करें प्रयास, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, ये ICDS की कहानी है। इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय समस्तीपुर की झांकी, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मुख्य थीम है जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय। महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए राष्ट्र निर्माण का आधार महिला सशक्तिकरण, महिला महिला। इसके अलावा अभी जो झांकी है वह
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा प्रशासन इस गैर संकट योजना की जागरूकता को प्रदर्शित करते हुए युवा जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना जाति को बढ़ाइए आप आगे की जाति को बढ़ाएंगे तभी अगली जाति यहाँ पे आ पाएगी। पहले जो जाति निकल के गई है उसको आप कृपया अपने गंतव्य निर्धारित स्थान पर ले जाए। ये अभी हमारे सामने जो झांकी है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन समाज कल्याण विभाग के साथ जिला दो झांकी है। इसमें एक ट्रक पर आप देख रहे हैं और उसके पीछे ट्रैक्टर पर यह झांकी है। झांकी को कृपया तेजी से आप बढ़ाए आगे वाले ये विकते रही बनेगी किशोर न्याय अधिनियम और बिहार किशोर नियमावली के साथ अठारह और आगे वर्ष के सभी वृद्ध बच्चों से आगे बढ़ाइए संबंधित जो किशोर न्याय बोर्ड है बाल कल्याण है बाल गृह है इसको प्रदर्शित करते हुए और इसके पीछे दिव्यांग समाज कल्याण विभाग के बाद जिला पंचायत कार्यालय मुख्यमंत्री के पास आती हुई जिला पंचायती राज कार्यालय की झांकी अभियंत्रण विभाग की झांकी नल जल योजना से संबंधित झांकी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत हर घर नल का जल अधिकारी के नेतृत्व में जिले में भी हमारा हर घर नल का जल योजना ने यथार्थ के धरातल को संस्पर्श किया है। उसके बाद पंचायती राज कार्यालय के क्षमा करेंगे पीएचईडी के बाद आपदा विभाग किया था अधिकारी से आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी ये सात डॉक्टर आपदा प्रबंधन प्रशासन के अलग अलग भूकंप आने पर हम क्या करें पाने पर कहते हम बाहर निकल जाए और कोविड मास्क का उपयोग करें दो गज जिला पूर्ति कार्यालय समस्तीपुर की झांकी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की झांकी मुफ्त राशन। उसके बाद यह झांकी जो आप देख रहे हैं जिला उद्योग केंद्र मेनू शिल्प क्लस्टर की प्रस्तुति पांच कला के द्वारा समस्तीपुर का उसके बाद ये जिला मुख्य कार्यालय की झांकी जिसमें विभागीय राहत और बचाव योजना को प्रदर्शित कर रही है यह झांकी जिला कार्यालय। इसके बाद ये तुरंत संसाधन विभाग कार्यालय की अधिकार 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार मुहैया करा रही है। बाल ऐसे बच्चों से हम श्रमदान न कराए। उसके बाद यह झांकी उत्पादन
मिथिलांचल के किसानों की आर्थिक स्थिति पहले सुदृढ़ नहीं थी, विकास दर काफी कम था, साधनों का कम से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिले थे, जिसमें से 1 किलो गेहूँ मिले थे, 4 किलो चावल मिले थे और बिल्कुल फ्री मिले थे भैया हो। जिला टागे को बात कर दी हो, साफ सुथरा चावल मिला इसी जैसा लगे थे, अब बड़ा गंदा लगे थे। अरे भैया अभी जो चावल मिल रहा है ना, चावल बड़ा नीक है, उस चावल में प्रोटीन युक्त है और वो चावल खाए से अमेनिया की बीमारी न हो सकती है। इसके बाद आप आएंगे श्री अभिषेक रंजन के द्वारा भी पंचायत सरकार भवन के लिए 52 डिस्मिल जमीन दान में दी गई है। अभिषेक रंजन आइए। इसके बाद गोपाल साली, अशोक साली और दीपक साली हीरो आप आए, इनके द्वारा 1 नवंबर 2022 को बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से एक 18 वर्ष के युवक की जान बचाई गई थी। इस घटना में 21 वर्ष के एक युवक की डूबने से मृत्यु हो गई थी, लेकिन 18 वर्ष की युवक को इन तीनों व्यक्तियों ने बताया। सभी गंगा रोजरा निवासी हैं। इसके बाद गणेश करने के लिए संजय कुमार बबलू दुर्गुरा समस्तीपुर के द्वारा 46 बार रक्तदान किया गया है। 46 बार रक्तदान संजय कुमार बबलू के द्वारा किया गया है। अब हम आमंत्रित समस्तीपुर पर इनके द्वारा भी ट्रैफिक कंट्रोल में कार्य किया जाता है, पंकज कुमार कर। अब हम पर्यावरण संरक्षण के लिए आज आमंत्रित कर रहे हैं राजेश कुमार सुमन रोसरा, ऑक्सीजन मैन के नाम से विख्यात, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आप ऑक्सीजन बचाओ हरित यात्रा के माध्यम से ये कार्य करते हैं। राजेश कुमार सुमन आइए। राजेश जी झाँ क्योंकि निकल चुके हैं, झंडा भी फहरा चुका है, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।